हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये पहली बार मैं अपना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी प्ले स्टेशन यूज़र्स को हेल्प होगी। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मैसी टाइप का है तो उसको इग्नोर करना, बाकी आगे वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको। जो भी थंबनेल में आपने देखा कि चीप प्ले स्टेशन गेम्स आपको कैसे मिल सकता, बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना लोगों के पास पहुँचे, उनके पैसे बचे थोड़े, क्योंकि प्ले स्टेशन की गेम्स बहुत ज़्यादा ही महंगी आती हैं और उनको अफोर्ड करना और हर महीने नई नई गेम्स या हर नई नई गेम्स को स्ट्रीम करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो है, तो उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप के अकाउंट्स आते हैं, कैसे बाय किया जाता है और किससे बाय करना है, वो भी मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और ट्राई करना, सब कुछ अच्छे से सुनो और वो चीज़ अप्लाई करो अपने साथ प्ले स्टेशन पर। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि तीन टाइप की गेम्स हैं जो आप, मतलब तीन तरीके से आप ले सकते हो उस गेम्स को जो कि चीपर पड़ेंगे। इसको मैं कैटेगराइज करूँगा और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर प्राइस के रखूँगा, ठीक। तो पहले आता है रेंटिंग, सबसे चीप है और सबसे अफोर्डेबल है रेंटिंग, क्योंकि रेंटिंग से आप जो है गेम को 100 रुपये, 250 रुपये, गेम की डिमांड पर डिपेंड करता है प्लस, और गेम अभी लॉन्च हुई है तो थोड़ी सी महंगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 800 ऐसे रहती है। तो रेंटिंग से आप 1 महीने के लिए वो एक गेम को बुक कर सकते हैं और उसको बुक करके आप 1 महीने के लिए खेल सकते हैं, और ये भी मतलब एक सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। मतलब मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ तो रेंटिंग एक सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे ही रखेंगे, क्योंकि सबसे चीप है और सबसे आसान तरीका है कि आप महीने भर में अगर गेम ख़त्म कर पा रहे हो उसको तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। और दूसरे पे सेकेंड मेथड ये है कि आप एक सेकेंडरी अकाउंट बाय करें। सेकेंडरी अकाउंट मीन्स एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको एक यूज़र दिया जाएगा प्ले स्टेशन का, उस प्ले स्टेशन यूज़र से ही आप प्ले कर सकते हैं और उसी में आप खेल के अचीवमेंट ले सकते हैं। आपको वो अचीवमेंट आपके पर्सनल अकाउंट में या पर्सनल यूज़र में नहीं मिलेगी। ये एक दूसरा तरीका है जिससे, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है रेंटिंग से, क्योंकि रेंटिंग 1 महीने के लिए रहेगा और ये जो सेकेंडरी अकाउंट आपको मिलेगा वो एक लाइफ टाइम अकाउंट होगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं अकाउंट में, अपना अकाउंट ऐड करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं, जो कि अलाउड नहीं होता। तो वो नहीं करेंगे तो आपके पास वो लाइफ टाइम रहेगा, प्लस ये अकाउंट थोड़ा सा उससे महंगा होता है, यानी कि अगर आपकी गेम 5,000 की है तो वो आपको 2,000 में मिल जाएगी। सेकेंडरी अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंडरी अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आपको वो लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपको अचीवमेंट जो भी होगी वो उसी अकाउंट में मिलेगी, उसी यूज़र में ही आपको मिलेगा सारे ट्रॉफीज़ आप अगर करते हैं तो। सबसे पहले नंबर पे प्राइमरी अकाउंट, तो प्राइमरी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपको परमानेंट एक्सेस तो मिलेगा ही, जैसे सेकेंडरी मिलता है, लेकिन उस गेम को आप अपने पर्सनल अकाउंट पे कंसोल शेयरिंग के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, ताकि जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं, अगर आप ट्रॉफी हंटर हैं तो ट्रॉफीज़ जितनी भी हैं आपकी सारी आपके यूज़र में ही शो करेगी और जो भी अचीवमेंट होगी सब आपके यूज़र में ही आएंगी। वो प्राइमरी अकाउंट थोड़ी सी महंगी और होती है, उससे ज़्यादा नहीं लेकिन
ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सेकेंडरी और प्राइमरी अकाउंट में, लेकिन प्राइमरी लोग ज़्यादातर इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनको अचीवमेंट सारी अपनी यूज़र में ही चाहिए रहती है, अपने खुद के अकाउंट में चाहिए रहती है। मैं भी ज़्यादातर प्राइमरी ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है कि ट्रॉफी मैं गेन कर रहा हूँ तो मेरे यूज़र में ही आए, किसी मतलब सेकेंडरी यूज़र में ना आए क्योंकि मेरे अकाउंट में शो करेगा। वो एक ट्रॉफी हंटिंग वाली एक चीज़ है जो लोगों को पसंद होती है। अगर आपको सिंपली गेम खेलना है, स्टोरी इन्जॉय करनी है या ट्रॉफी से मतलब नहीं है तो सेकेंडरी अकाउंट इज़ बेस्ट। अगर क्योंकि अगर वो लाइफ टाइम चाहिए तो, अगर लाइफ टाइम नहीं चाहिए, लाइफ टाइम अगर आपको सिर्फ यही चाहिए कि मैं मुझे स्टोरी खेलनी है, सिर्फ स्टोरी इन्जॉय करनी है, फिर गेम नहीं रखना है अपने पास, तो सिंपल एंड बेस्ट रेंटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेन तो आप लोगों का सवाल ये होगा कि सब लें कहाँ से, मतलब बाय कहाँ से करनी है, रेंट कहाँ से करनी है। तो इसके लिए मैं एक आपको लिंक दूंगा और एक नंबर दूंगा, ग्रेटनेस अवेट्स करके इनका अकाउंट है, इनसे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो ये इनका रिप्लाई आ जाएगा 10 से 15 मिनट में ही। तो इनसे आप गेम्स सेकेंडरी अकाउंट भी ले सकते हैं, प्राइमरी अकाउंट भी ले सकते हैं। इनके पास अभी रेंटल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं रेंटल फैसिलिटी के लिए भी एक और नंबर दूंगा। अगर इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मैं एक रेंटिंग पे भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और भी इन सबको बाय करके दिखाऊंगा एज अ प्रूफ कि ये एक प्रॉपर वे है, चीपर वे है टू प्ले एंड बाय गेम्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लस शेयर करना इस वीडियो को ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए और जितने भी गेमर्स हैं उनकी हेल्प हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए अब यहाँ तक का वीडियो। अगली वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊँगा रेंटिंग पे और भी जेल ब्रेक पे, कि जेल ब्रेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।